नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में। आज हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है कि कुछ ही दिन पहले कैबिनेट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुआ है, जिस योजना पारित हुई है जिसका नाम है मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। इस योजना की सभी को ज़रूरत थी क्योंकि इस योजना के अंतर्गत आपको पक्का मकान बनाकर दिया जाएगा। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना थी, सेम प्रकार से मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना, बस इसका नाम बदलकर इसको मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना नाम दे दिया है। तो अगर आपका प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट में नाम है तो आप इस योजना के लिए अपात्र है। तो अभी तक आपको पता नहीं कि हमारा नाम है या नहीं, तो आप किस प्रकार से चेक कर सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट में कि हमारा नाम है या नहीं? तो चलिए आज हम आपको वही बताने वाले हैं कि आप किस प्रकार से चेक कर सकें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कि किन किन लोगों का लिस्ट में नाम है। तो चलिए यहाँ पर चेक करते हैं। इसकी यहाँ पर आपको आ जाना है ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, प्रधानमंत्री आवास योजना के ऑफिशियल पेज पर। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको आवास सॉफ्ट का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। आवास सॉफ्ट के ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको डाटा एंट्री का एक ऑप्शन दिख जाएगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, सॉरी डाटा एंट्री वाले ऑप्शन पर नहीं, आपको रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर करना है। ठीक है, रिपोर्ट वाले ऑप्शन आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस शो होने लगेगा। यहाँ पर आपको थोड़ा एक स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको जो है वो एक वेबसाइट, ठीक है, यहाँ पर आप जैसे ही नीचे आएंगे यहाँ पर ESCSS रिपोर्ट्स का एक ऑप्शन दिख रहा है। कैटेगरीज वाइज SECC डाटा वेरिफिकेशन समरी, तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने पूरी लिस्ट निकल कर आपके सामने शो होने लगेगी। अब अगर आपको अपनी पंचायत वाइज देखना है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना स्टेट सिलेक्ट करना होगा। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपना जिला सिलेक्ट करने को बोलेगा। जिला सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको अपने ब्लॉक चुनने का ऑप्शन देगा। ठीक है, ब्लॉक सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फिर आपको अपनी पंचायत सिलेक्ट करने का ऑप्शन देगा। तो यहाँ पर आपको अपनी पंचायत डाल देना है। पंचायत डालने के बाद यहाँ पर आपको जो नीचे दे रहा है सिर्फ कैप्चा कोड, उसे आपको फिल कर देना है। ठीक है, कैप्चा कोड हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। कैप्चा कोड फिल करने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जिस जिले का नाम दिया था, जिस ब्लॉक का नाम दिया था, जिस पंचायत का नाम दिया था, उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पर हमारे सामने शो हो चुकी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे ब्लॉक में अभी तक टोटल 163 लोगों को, सॉरी 167 लोगों को यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल चुका है। तो इस लिस्ट में जिन जिन लोगों का भी नाम है उन्हें मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपका इस लिस्ट में नाम नहीं है तो आप बिल्कुल लाडली बहना आवास योजना के लिए आप पात्र हैं और आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसका आवेदन पत्र आपको या तो पंचायत में मिल जाएगा या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए। उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको आवेदन का फॉर्मेट दे दिया जाएगा, वहाँ से आप प्रिंट निकला लीजिए और उसे भरकर डॉक्यूमेंट लगा दीजिए और पंचायत में या वार्ड में जमा करवा दीजिए। ठीक है, अभी ऑफलाइन आवेदन हो रहे हैं, जैसे ऑनलाइन आवेदन होंगे जनपद पंचायत में आपके या वार्ड में आपके केवल ऑफलाइन आवेदन जमा होंगे, आपके ऑनलाइन आवेदन जनपद से किए जाएंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके साथ जल्द मिलेंगे। ऐसी नई अपडेट, नई जानकारी के लिए बने रहिए। धन्यवाद।